गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो वी आर स्टार्टिंग विद अबव. एक्चुअली वी आर डूइंग कंटिन्यूएशन. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अलजेब्रा चैप्टर नंबर 11 एंड वी आर डीलिंग विद एक्सरसाइज 11.1. वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 6. हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. तो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ेदार है एकदम, मतलब पढ़ने में मजा आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली. ठीक है, तो राधा ने जो है डॉट रंगोली का कुछ पैटर्न सा बनाया है विद अ चॉक पाउडर. ठीक है, चॉक पाउडर से. शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो. एक रो के अंदर कितने हैं? 9 डॉट्स है. हाउ मेनी डॉट्स विल बी देयर इफ देयर आर आर नंबर ऑफ रोज. तो पूछ रहे कि आर नंबर ऑफ रोज में कितने होंगे. हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज एंड हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इन 10 रोज. ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी हुई है और चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो पहला, सबसे पहली चीज क्या करते हैं कि ऐसे जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. तो एक रो के अंदर कितने हैं मेरे पास? 9 डॉट्स. ठीक है, अब मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रोज है मुझे भी नहीं पता, बोला है आर. ठीक है, तो आर के अंदर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज इज इक्वल टू 9 आर. भाई एक के अंदर 9 है और ऐसी आर नंबर ऑफ रोज है, तो कितने टोटल डॉट्स हो जाएंगे? 9 आर. अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी डॉट्स इफ देर आर 8 रोज. अब क्या है, नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज निकालेंगे. तो नंबर ऑफ डॉट्स इन 8 रोज. ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कंपेयर करो. आर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? 8. तो यहाँ पर भी आर की जगह पे क्या लिख दूंगी? 8. और कितने डॉट्स आ जाएंगे मेरे पास? 72 डॉट्स. कितने डॉट्स आ जाएंगे? 72 डॉट्स. सिमिलरली अब मेरे को नेक्स्ट किसका निकालना है? 10 रोज का निकालना है. तो मैं निकाल लेती हूँ नंबर ऑफ डॉट्स इन कितना रोज? 10 रोज. ठीक है, तो सिर्फ रोज की जगह पे जो आर का वैल्यू है वो चेंज कर दिया मैंने, कितना कर दिया? 10. एंड नाउ आई गेट 90 डॉट्स. कितने डॉट्स हो जाएंगे मेरे पास? 90 डॉट्स हो जाएंगे. बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में. दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ एलजेब्रा. ठीक है, तो आर जो है, आर को वेरिएबल कहा जाता है बिकॉज आर इज चेंजिंग वैल्यू. कभी 8 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है. तो आर इज अ वेरिएबल विच इज चेंजिंग द वैल्यू फ्रॉम वन टू अनदर. चलो, नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं. और एज वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. लीला इज राधाज यंगर सिस्टर. तो लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है. लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा. तो लीला जो है वो 4 साल छोटी है किससे? राधा से. राधा से कितनी छोटी है भाई? 4 साल छोटी है. कैन यू राइट लीलाज एज, लीला का एज इन टर्म्स ऑफ राधा. टेक राधाज एज टू बी एक्स. तो क्या करना है मुझे, किसका एज बताना है? लीला का एज बताना है. किनकी टर्म्स में? राधा की टर्म्स में. और राधा का एज कितना है? एक्स ईयर्स है. तो लिखते हैं क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, राधाज एज बी एक्स. ठीक है, तो लीला का एज कितना हो जाएगा भाई? 4 साल छोटा. तो लीलास एज बी एक्स माइनस 4 ईयर्स. ठीक है, तो लीला का एज कितना हो जाएगा भाई? एक्स माइनस 4. अब एक्स माइनस 4 तो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ राधा हो गया ना. तो चलो ऐसे ही करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मदर हैज मेड लड्डूज. ठीक है, तो मदर ने क्या बनाया भाई? मम्मी ने बनाए हैं लड्डू. शी गेव सम लड्डू टू द गेस्ट एंड द फैमिली मेंबर्स. ठीक है, तो उन्होंने कुछ लड्डू जो है वो गेस्ट को दिए और कुछ फैमिली मेंबर्स को दिए. स्टिल 5 लड्डूज आर रिमेन. ठीक है, तो कुछ, अब कितने लड्डू बचे हैं? सबने खा लिए, उसके बाद भी कितने लड्डू बचे हैं? 5 लड्डू बचे हैं. द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल. हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेड. ठीक है, तो जो मदर ने लड्डू दिए हैं, मतलब जो गेस्ट ने खाए हैं और फैमिली ने खाए हैं, वो तो कितने लड्डू है मेरे पास? एल, ये एल. तो
पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लड्डूस कितने बनाए थे मदर ने, तो लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लड्डूस, नंबर ऑफ लड्डूस मेड बाय, मेड भूल गई हूँ, मेड बाय मदर, वो हमें पता करना है। ठीक है, वो हमें पता करना है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, लड्डूज, नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव टू गेस्ट एंड फैमिली, तो कितने लड्डूज दे दिए भाई, एल दे दिए। ठीक है, एंड रिमेनिंग लड्डूज कितने हैं, रिमेनिंग लड्डूज, तो रिमेनिंग लड्डूज आर 5। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज, ऑफ लड्डूज कौन कौन से होंगे भाई, जो गेस्ट ने खा लिए वो, और फैमिली ने खा ली वो, उसके अलावा जो बचे, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज इज एल प्लस 5। कितना हो जाएगा भाई, एल प्लस 5। बढ़िया क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या कह रहा है कि कुछ ऑरेंजेस हैं, के ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्स टू द स्मॉलर बॉक्स। ठीक है, सो ऑरेंजेस को ट्रांसफर करना है फ्रॉम लार्जर बॉक्स, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स से। ठीक है, व्हेन द लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल्ड टू स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस आर रिमेन आउटसाइड। तो जब ट्रांसफर कर रहे हैं बड़े बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में, तो दो छोटे डब्बे पूरे भर गए हैं और उसके बाद भी कितने बच गए हैं, 10 और बच गए। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द स्मॉल बॉक्स इज टेकन टू बी एक्स। अच्छा, छोटे बॉक्स के अंदर कितने आए हैं मेरे पास, एक्स आए हैं। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं जो जो दिए हुए, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स, इन स्मॉल बॉक्स बी एक्स। ठीक है, तो कितने हैं भाई मेरे पास, एक्स है। क्लियर, अब उसके बाद क्या करना है, पूछ रहा है कि लार्जर बॉक्स में कितने होंगे, तो लार्जर नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स, लार्जर बॉक्स इज भाई एक्स आया छोटे बॉक्स में, फिर एक और एक्स आया और उसके बाद 10 और बच गए, तो कितने हो जाएंगे, 2x + 10। कितने नंबर, कितने हो जाएंगे भाई, 2x + 10, 2x + 10। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। मैचस्टिक का जो है ये पैटर्न देखना है, इसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, तो सेपरेट स्क्वायर नहीं बन रहे। देखो पहला जो है ये, देखो ये पहला अकेला है, फिर ये दो मिलकर बने हैं, तो बीच वाला कॉमन है, तो सेपरेट नहीं है भाई, अलग अलग नहीं है, मिले हुए हैं। द टू नेबरिंग स्क्वायर हैव अ कॉमन स्टिक, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड गिव अ रूल। ठीक है, तो एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उसका कोई रूल देना है। ठीक है, तो चलो पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो पैटर्न को ऑब्जर्व किया, तो मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ नीचे, तो इसमें कितनी मैचस्टिक यूज हुई, 4। ठीक है, इसमें कितनी मैचस्टिक यूज हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक यूज इज 7। अब इसमें कितनी यूज हुई बताओ जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कितनी यूज हुई, 10। अब इसमें बताओ कितनी यूज हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13। ठीक है, तो कितनी यूज हो रही है भाई, 13 यूज हो रही है। तो कोई पैटर्न बता सकते हो कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हर एक बार देखो स्टार्टिंग में कितनी थी, 4, तो 4 में कितनी ऐड करी गई, 4 में कितनी ऐड करी गई, 3 और ऐड करी गई, फिर कितनी ऐड करी गई, 3 और ऐड करी गई। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये देखो है ना हर बार, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 × नंबर ऑफ स्टिक्स प्लस 1। ठीक है, ये मैंने दिया है, ठीक है ये मैं दे रही हूँ कि कितना मेरा x क्या है, स्क्वायर है, अगर 1 स्क्वायर है
तो 1 स्क्वायर के अंदर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है कितने स्क्वायर बन रहे हैं 1 एंड 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 हो गया, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, दिख रहा है ना। ऐसे ऐसे ही अगला चलेंगे, तो 3x प्लस 1 विच इज 3 इंटू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मेरे पास क्या पैटर्न आया, व्हाट इज माय पैटर्न, व्हाट इज माय पैटर्न इज 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1। तो मेरा पैटर्न क्या आ गया भाई, 3x प्लस 1। ये पैटर्न आपको देखने से पता चलेगा, जैसे आप ऐसे सारा लिखेंगे फिर आप देखेंगे कि कितना कितना ऐड हो रहा है, सब में 3 3 ऐड हो रहा है, तो उससे पता चलेगा कि एक स्क्वायर बढ़ने से। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ से यहाँ पर गए तो 3 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ पर गए तो 3 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ पर गए 3 ऐड हुआ। अब यहाँ कितना स्क्वायर था, एक स्क्वायर था, यहाँ कितना स्क्वायर था, 2 स्क्वायर था, यहाँ कितना, 3। तो जैसे जैसे एक स्क्वायर बढ़ रहा है तो उसके साथ 3 तिल्लियां बढ़ रही हैं, 3 मैस्टिक बढ़ रही हैं, है ना। तो ये पैटर्न पता चला कि 3 इंटू नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरे को पैटर्न पता चल गया, ठीक है। चलो ऐसे ही एक लास्ट पार्ट बचा है ना, वो और करते हैं। सिमिलर टाइप है, बहुत ही सिमिलर टाइप का है। अब उसमें मेरे को स्क्वायर्स दिया हुआ था, यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है। तो क्या दे दिया है, ट्राइंगल दिया। अब देखो पहला जो ट्राइंगल है इसमें कितनी मैस्टिक यूज हो रही है, 3, 1 2 3 4 5, कितनी यूज हो रही है, 5, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी यूज हो रही है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी यूज हो रही है, 9, ठीक है। कितने का डिफरेंस, 2 का, कितने का डिफरेंस, 2 का, कितने का डिफरेंस, 2 का, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 और 8 ट्राइंगल के लिए x। अब 2x से देखो पहला ट्राइंगल मेरा फुलफिल नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहले ट्राइंगल के हिसाब से मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 1। तो मेरा पैटर्न कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस 1, कितना पैटर्न हो जाएगा मेरा, 2x प्लस 1। अब चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, अब नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 1, तो x का वैल्यू 1 इंटू प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2, चेकिंग कर रही हूँ ये बस में, 2 2 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, 3 होगा ट्राइंगल, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 तो 6 प्लस 1 7। तो ये देखो ये पैटर्न फॉलो हो गया ना। तो ये क्या है, ये सिर्फ चेकिंग है, दिस पार्ट इज चेकिंग पार्ट, ठीक है। ये चेकिंग है कि मैंने जो पैटर्न लिया है वो सही है कि नहीं, तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना और यू कैन फाइंड द पैटर्न, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, थैंक यू।